जैसे मान लिया मैंने मेरे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर z है x plus iota y। देखो इसको हमने ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म में लिखा x comma y। अब देखो क्या हुआ, x और y के बारे में हमें ज्यादा मालूम तो है नहीं, ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है, क्या है, है ना। तो मैंने मान लिया कि मान लो दोनों पॉजिटिव है, x y दोनों पॉजिटिव है। तो देखो यहां पर ये पॉइंट आ जाएगा x comma y, है ना। मान लो ये दोनों ही पॉजिटिव है, मतलब ये डिस्टेंस मैंने x मान ली, ये मान के कि ये पॉजिटिव है, इसको y मान लिया, ये मान के कि ये पॉजिटिव है। अब देखो अगर हम ओरिजिन से इसको मिला दें तो देखो ये भी हमारा z हो जाएगा, ध्यान, ठीक है। मान लीजिए ये पॉइंट हमारा p था, तो देखो जो हमारा op वेक्टर है ये z हो जाएगा, z, है ना। op वेक्टर को हम कॉम्प्लेक्स नंबर z कह सकते हैं, है ना। और P पॉइंट को भी हम कॉम्प्लेक्स नंबर Z कह सकते हैं। P भी Z है और OP वेक्टर भी Z है। देखो ध्यान दो, अब जैसे अगर हम OP की लेंथ को निकालें, इसका मैग्नीट्यूड निकालें, मतलब OP की लेंथ, वेक्टर का मॉडुलस, मतलब उस वेक्टर की लेंथ, तो इसको हम मॉडुलस ऑफ Z कहते हैं, ध्यान दो, है ना। अगर हम OP वेक्टर की लेंथ को निकालें, मतलब OP डिस्टेंस को निकालें, तो इसी को हम मॉडुलस ऑफ z भी कहते हैं। और देखो इसकी वैल्यू, ये डिस्टेंस x है, ये y है, तो पाइथागोरस थ्योरम से हो जाएगा अंडर रूट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, है ना। इसकी जो लेंथ है, देखो ये पाइथागोरस थ्योरम से अंडर रूट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर हो जाएगा, ध्यान दो, ठीक है। अब देखो मान लो ये जो एंगल है, देखो ये है OP वेक्टर और देखो ये है x एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन, ये है x एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन और देखो ये OP वेक्टर, इनके बीच का जो एंगल है थीटा, है ना, जो कि हमने एंटी क्लॉकवाइज में मेजर किया है, इस थीटा को हम कहते हैं आर्गुमेंट ऑफ z, ठीक है, आर्गुमेंट ऑफ z, शॉर्ट में इसको arg ऑफ z कहते हैं, इसको हम एम्पलीट्यूड ऑफ z भी कहते हैं, ध्यान दो, एम्पलीट्यूड ऑफ z, और शॉर्ट में amp ऑफ z भी कहते हैं, है ना। तो देखो ये थीटा कौन सा एंगल है, ये है हमारा x एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन और op वेक्टर के बीच का एंगल, ध्यान दो, है ना, x एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन और op वेक्टर के बीच के एंगल को हमेशा हम थीटा कहेंगे, इस बात को दिमाग में बैठा लो, है ना। x एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन और op वेक्टर मतलब क्या है, ये दो वेक्टर के बीच का एंगल है, और वेक्टर के बीच का एंगल जो है वो हमेशा एक ही होता है, डायरेक्शन से देखा जाता है, ध्यान देखो। तो क्या हुआ, देखो मॉडुलस z को निकालने का हमारे पास ये फार्मूला आ गया, है ना। अब देखो जैसे ये यहां पर मैंने फर्स्ट क्वाड्रेंट में मान रखा है, तो अगर मैं tan थीटा लगाऊंगा तो देखो ये y by x हो जाएगा, अगर tan थीटा मैं लगा दूं तो, है ना, क्योंकि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। लेकिन जैसे जैसे ये क्वाड्रेंट बदलेगा वैसे वैसे ये फार्मूला वैलिड नहीं होगा, है ना। ये फार्मूला तभी सही है जब x भी पॉजिटिव हो और y भी पॉजिटिव हो, दोनों पॉजिटिव, जबकि ये mod z का फार्मूला हमेशा ही सही है, चाहे x कुछ भी हो, है ना, ये फॉर ऑल एक्स वाई है, ये फॉर ऑल एक्स वाई ट्रू है, लेकिन ये फार्मूला हम तभी लगाएंगे जब दोनों पॉजिटिव होंगे। देखो वजह क्या है, देखो इसकी वजह ये है, इसको जरा लिखो पहले बच्चों, मैं बताता हूँ आपको।